أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहु सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आज की डेट के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ने जो है टेंटेटिव डेट शीट जो है अनाउंस कर दी है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो है एम ए पार्ट वन वालों का 18 जनवरी 2024 को जो है हेल्ड हो रहा है। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नहीं है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के जो पेपर हैं, पेपर का टाइम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आप लोग के सेकेंड टाइम आप लोगों के पेपर होंगे और आज जो है 1 जनवरी 2024 है। आज की डेट के अंदर जो है टेंटेटिव डेट शीट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा ने जारी कर दी है। फर्स्ट पेपर जो है एम ए पार्ट वन वालों का अरेबिक, इसी तरह से जो है हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल वर्क आ गया, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पार्क स्टडी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और पंजाबी वालों का पेपर हेल्ड होगा। एम ए अरबी वालों का ततबीकुल कवायद पहला पेपर है और इसी तरह हिस्ट्री वालों का जो है रिसर्च मेथडोलॉजी का जो है पहला पेपर होगा। मैथमेटिक्स वालों का जो है रियल एनालिसिस का पहला पेपर है। इसी तरह से जो है सोशल वर्क वालों का जो है हिस्ट्री एंड फिलासफी का पहला पेपर है और इसी तरह से जो है साइकोलॉजी वालों का जो है कंटेम्प्रेरी स्कूल्स के मुतालिक जो है इनका पहला पेपर है। फिजिकल एजुकेशन वालों का जो है फिलासफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के मुतालिक पहला पेपर है। इसी तरह पोलिटिकल साइंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स न्यू कोर्स और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओल्ड कोर्स, ये जो है जिन लोगों को सप्ली आई या एज ए होल हुए उन लोगों का ओल्ड कोर्स का पेपर होगा और जो लोग अभी नए फ्रेश जिन लोगों ने अपने एडमिशन सेंड किए हैं उन लोगों का न्यू कोर्स के हिसाब से जो है पेपर लिया जाएगा। इस तरह से जो है पाक स्टडी वालों को जो है मुस्लिम नेशनलिज्म इन साउथ एशिया 1857 से लेकर 1947 तक की बुक का पहला पेपर होगा। कॉमर्स वालों को जो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला पेपर है और इसी तरह इकोनॉमिक्स वालों को जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का पहला पेपर है और पंजाबी वालों को जो है क्लासिकल शायरी का पहला पेपर होगा। जी तो इसी तरह से जो है 19 जनवरी 2024 को जो है आप लोगों का दूसरा पेपर है। अब इसमें जो है इंग्लिश वालों को जो है क्लासिकल पोएट्री का पहला पेपर है, इस्लामियात वालों को जो है अल कुरान पहला पेपर है और उर्दू वालों को जो है उर्दू गज़ल का पहला पेपर है और जूलॉजी वालों का जो है बायोकेमिस्ट्री का ओल्ड और न्यू कोर्स वालों का दोनों का पेपर होगा। इसी तरह से जो है बॉटनी वालों को जो है साइकोलॉजी का पेपर होगा और सोशियोलॉजी वालों को जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का पेपर होगा। एजुकेशन वालों को जो है फिलासफी ऑफ एजुकेशन के मुतालिक पेपर लिया जाएगा। जी इंटरनेशनल रिलेशंस वालों को जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस ओल्ड कोर्स का भी पेपर होगा और न्यू कोर्स का भी पेपर होगा। अब इसमें ओल्ड और न्यू वाले नोट कर लें, जिन लोगों ने अपना रिसेंटली दाखिला भेजा फ्रेश कंपोजिट के तौर पे उन लोगों का जो है न्यू कोर्स से पेपर आएगा और जो लोग ओल्ड हैं जिनके एक या दो चांस रह रहे थे पास नहीं कर पाए थे सप्ली है तो उन लोगों का जो पेपर है वो ओल्ड कोर्स से आएगा। इस तरह से जो है फिजिक्स वालों को जो है मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स का न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स का पेपर होगा। सेम एज इट जिस तरह से जो है आईआर वालों का पेपर है इसी तरह से जो है फिजिक्स वालों का पेपर होगा। जो लोग जो है जिनके चांसेस जो है कुछ बाकी रह रही हैं वो उन लोगों का ओल्ड और जो लोग नए फ्रेश यानी कंपोजिट एडमिशन सेंड किए उन लोगों का जो है नए कोर्स से पेपर हेल्ड होगा। इस तरह केमिस्ट्री वाली हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से और इसी तरह से जो है फिजिकल केमिस्ट्री ओल्ड और न्यू कोर्स और इसी तरह से जो है कॉमर्स वालों का जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन बिजनेस के मुतालिक जो है पेपर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट पेपर की, तो उसके बाद जो है 20 डेट को जो है संडे है, संडे की जो है छुट्टी होगी, उसके बाद जो है 22 तारीख को आप लोगों का पेपर हेल्ड हो रहा है और आफ्टर दैट उसके बाद जो है 23 तारीख को जो है आप लोगों का पेपर है। इसके बाद जो है सिलसिला चलता हुआ नेक्स्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है कि 15-2-2024 इट्स मीन 15 फरवरी को जो है जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस और आईआर वालों का पेपर और इसी तरह से जो है फिर 16 फरवरी को इकोनॉमिक्स, पंजाबी, उर्दू, जूलॉजी, बॉटनी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, पार्क स्टडी, आईआर, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स वालों का पेपर होगा और इस तरह से जो है ये सिलसिला चलता हुआ जो है आप लोगों का 21 फरवरी और 22 फरवरी और आफ्टर दैट जो है
तकरीबन जो है राउंड अबाउट आप लोगों की जो डेट शीट है 28 फरवरी 2028 तक जो है आप लोगों के थर्ड लास्ट पेपर हो जाएंगे, और इसी तरह से जो है सेकंड लास्ट पेपर आप लोगों का 29 फरवरी और 1 मार्च 2024 को जो है आप लोगों का फाइनल पेपर होगा। इसके बाद जो है आप लोगों का वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। वाइवा जो है 4 मार्च से आप लोगों का शुरू होगा और 7 मार्च जो है लास्ट डेट होगी। तो सोशियोलॉजी जो हो गया, सोशियोलॉजी वाले लोगों का जो है 4 मार्च 2024 को जो है वाइवा लिया जाएगा। केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, एजुकेशन, जूलॉजी, इनका जो है 5 तारीख को होगा, और इसी तरह बॉटनी वालों का और फिजिकल एजुकेशन वालों का 6 तारीख को वाइवा होगा, और इसके अलावा जो है मैथमेटिक्स और इस्लामिक स्टडीज़ वालों का जो है 7 मार्च 2024 को जो है वाइवा लिया जाएगा। यहाँ पर एक बात आप लोगों से और मैं शेयर करता चलूँ डियर स्टूडेंट कि ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव डेट शीट है, रद्दोबदल हो सकती है, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी से इशू हुई मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और भी नोट कर सकते हैं कि लास्ट में डेट देखें कि 1 जनवरी 2024 की बजाय 1 जनवरी 2023 लिखा हुआ है। बाय द वे मेरा काम था आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। बाकी जहां तक बात हो रही है आप लोगों के रोल नंबर स्लिप की, इसके अलावा जिन लोगों के अभी तक ऑब्जेक्ट आया हुआ है या उन लोगों के जो है एडमिशन कन्फर्मेशन नहीं हुई, इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर जो है आप लोगों के एडमिशन्स जो है वेरीफाई हो जाएंगे, और आप लोगों के जैसे ही कोई रोल नंबर स्लिप की अपडेट आती है तो आप लोगों को इसी चैनल पर जो है इंशाल्लाह मिल जाएगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान।